हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 2024 की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको जल्दी से एयरफोर्स का ये फॉर्म जल्दी से भर देना है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों आपको एयरफोर्स में फॉर्म अप्लाई करने का, एयरफोर्स में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके पास लास्ट चांस है 2024 में एयरफोर्स में ज्वाइन होने का। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके फॉर्म को ज़रूर भरना। तो आज इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एयरफोर्स का फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किया जाएगा और आप इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में, इसके एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपना फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली गलती की जो कैंडिडेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट ये करते हैं कि वो जो अपना नाम होता है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये जो चारों चीज़ें हैं वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भर देते हैं या फिर मार्कशीट के, ट्वेल्थ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देते हैं या फिर अपनी तरफ से भर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो अपना नाम है, अपने फादर का नाम है, अपनी मदर का नाम है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो टेंथ की ओरिजिनल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दसवीं की मार्कशीट में आपकी जो भी आपका नेम है, फुल नेम क्या है, जो भी फादर नेम है, मदर नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो ही भरवानी है। और दोस्तों, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, आपका जो आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड में और आपकी टेंथ की ओरिजिनल मार्कशीट में, इन दोनों में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। आप आधार कार्ड में टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें आप करेक्शन करा लीजिए, उसको ठीक करा लीजिए, वरना आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको बाद में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दसवीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें फिल करनी है। तो ये हो गया नंबर एक गलती। दोस्तों, अब आते हैं नंबर दो गलती पर। नंबर दूसरी गलती है दोस्तों अपनी फ़ोटो की। जी हाँ दोस्तों, आपको जो फ़ोटो है, आपको फ़ोटो एयरफोर्स के लिए अलग से खिंचवाना है, वो स्लेट वाला फ़ोटो आपको खिंचवाना है जिसमें आप होते हो और आप यहाँ जो है स्लेट पकड़कर आपको खड़े होना होता है, उस पर आपकी डेट ऑफ फ़ोटो और आपका नाम लिखा हुआ होता है। तो वो स्लेट मिल जाती है, जहाँ भी फ़ोटो खींचते हैं उनके पास वो होती है। तो उस पर आपको जो है अपना नेम और अपनी जो है डेट ऑफ फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी उस पर, डेट ऑफ फ़ोटो लिखनी है कि आप वो फ़ोटो कब खिंचवा रहे हैं, क्योंकि जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो डेट ऑफ फ़ोटो है वो 3 महीने से पुरानी नहीं हो, जब भी ये फॉर्म आए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फ़ोटो जो है वो स्लेट वाली खिंचवानी है और उस पर डेट ऑफ फ़ोटो और आपका नाम होना चाहिए। तो ये दो गलतियां हैं मैंने आपको बताई हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आते हैं तीसरी गलती पर। दोस्तों, तीसरी गलती जो है वो है आपके आधार कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर और अपनी ईमेल आईडी वो आपको बिल्कुल सही सही फिल करनी है, क्योंकि आपको जो आधार कार्ड नंबर है और जो ईमेल आईडी है, सभी चीज़ें आपकी ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती हैं और आधार कार्ड नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर सभी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही भरनी होती हैं। ईमेल आईडी आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, वरना गलत ईमेल आईडी भर दी, एक भी वर्ड अगर गलत हो गया तो वो आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। इसीलिए आधार कार्ड नंबर और ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही फिल करनी है और वही ईमेल आईडी देनी है जो कि चालू है, ताकि आपको पता चल सके, वही ईमेल आईडी देना जो आपके फ़ोन में लॉगिन है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, चौथी गलती यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी गलती ये है कि आपको अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है, फ़ीस कंप्लीट जमा करनी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फ़ीस सबमिट नहीं करते,
फाइनल प्रिंट नहीं निकलवाते, जिस वजह से उनको बाद में याद आता है कि मेरी फ़ीस जमा नहीं हुई है, मेरा फाइनल प्रिंट निकला ही नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस करवाने के बाद आप फाइनल प्रिंट लेना और उसके ऊपर अपना पासवर्ड लिखवाना मत भूलना। जो भी साइबर कैफ़े ने पासवर्ड बनाया है वो आपको उस पर लिखवा लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड चाहिए रहता है। जब भी आप इसका एडमिट कार्ड निकालते हैं, जब भी आप इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, तो वहाँ पर आपको पासवर्ड चाहिए होता है। तो पासवर्ड बिल्कुल भी मत भूलना, साइबर कैफ़े वाले से लिखवा लेना, उससे पूछ लेना क्या पासवर्ड उसने बनाया है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ही रखना होगा। तो दोस्तों ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, इनमें से अगर एक भी गलती आप करते हो तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप ही टेंशन में आते हो, फिर बच्चे रोते हैं और वहाँ पर बहुत ही दिक्कत होती है उनको। तो इसीलिए पहले ही कोई भी गलती ना करें तो ठीक होता है, वरना बाद में जो है बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और कई बार यहाँ पर जो है आप इसके प्रोसेस में शामिल भी नहीं हो पाते। तो ये गलतियाँ थी, चार गलती मैंने आपको बताई हैं अपने फॉर्म में भरते टाइम, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो दोस्तों इससे जुड़ा कोई सवाल या डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे पर्सनल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, कौन सी भर्ती की लास्ट डेट आई है, क्या डेट ऑफ बर्थ है और कब एडमिट कार्ड आने वाले हैं, सभी चीज़ें वहां पर मैं आपको बताता रहता हूं। इसीलिए आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।